हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित। हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अभी तक हम लोग एक मॉक टेस्ट आपका ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका दूसरा मॉक टेस्ट है। तो याद रखिए, मॉक टेस्ट तभी लगाए जाते हैं, टेस्ट तभी दिए जाते हैं जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो। यानी कि हम लोग कंप्यूटर जीके के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग इस स्थिति में पहुंच गए कि आप लोग मॉक टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए, हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान आपका कवर किया हुआ है, बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में आपके सभी लेक्चर पड़े हुए हैं। पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? तो चलिए हम लोग दूसरा मॉक टेस्ट देखते हैं। और ये मॉक टेस्ट आपके वन डे एग्ज़ाम यानी कि एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चंस, तो अच्छे से लगाना है। क्वेश्चन है एक, निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू आपका है, माउस है, मॉनिटर है, यूपीएस नहीं है। क्या है? डी ऑप्शन इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सॉकेट्स। बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है? सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है? रजिस्टर्स के का समूह। क्वेश्चन नंबर तीन में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ये सभी। तो याद रखिए, इन सभी को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डेटा व्यू या प्रिंट। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डेटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवा। निम्नलिखित निम्न में से यह सीपीयू का भाग है? इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर छठवे में अर्थमैटिक एवं लॉजिक यूनिट। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन सात। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं? किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लॉक। क्वेश्चन नंबर सात में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा आठ। सीपीयू में सी निरूपित करता है? सीपीयू में सी निरूपित करता है सेंट्रल को। बी ऑप्शन आठ में सही है। क्वेश्चन है नौ। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं? किसी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर नौ में आपका सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन है हमारा 10। बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है कहलाता है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बस। क्या कहते हैं? बस। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 12। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था? पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंट्रेल 4004। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 13। वह मेमोरी इकाई जो सीधे सीपीयू से कम्युनिकेट करती है कहलाती है। मैन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 14। कंप्यूटर में कहाँ डेटा को जोड़ा तथा उसकी तुलना की जाती है? सीपीयू में। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 15। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 16। किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं कैसे? बी ऑप्शन सही है आपका 16 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 17। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? फैच साइकिल। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 19। यह घटक डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। यह घटक डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है 20। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। सी ऑप्शन सही है 20 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 22।
कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। सीपीयू, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 23, एएलयू का कार्य है, एएलयू का कार्य है गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रिया को करना। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, सीपीयू डेटा जमा करने के लिए सीधे इस माध्यम को नियंत्रित करता है, स्टोरेज यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25, माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चिप, क्या कहते हैं? चिप। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्राइमरी मेमोरी जमा करती है, प्राइमरी मेमोरी जमा करती है केवल डेटा, केवल परिणाम, केवल प्रोग्राम, ये सभी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 में आपका डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन है 27, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है डेटा को बदलना, डेटा को मैं बदलना किसमें? इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम में के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? इनपुट इकाई, क्या है? इनपुट इकाई। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 30, मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है, मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका कंट्रोल यूनिट होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 31, सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 32, शब्द डेटा लिया गया है, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 33, इनपुट का प्रकार है डेटा, प्रोग्राम्स, कमांड्स, यूजर रिस्पांस, ये सभी। तो इसमें होगा आपका ये सभी, क्या होगा? ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं ना, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 34, निम्न सभी मदरबोर्ड के नाम हैं सिवाय सिवाय
सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड, इसे छोड़कर ए बी सी डी ये सभी मदरबोर्ड के नाम हैं सिवाय कंप्यूटर बोर्ड को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ई होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 35, कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है? ये जाता है आपका रैम में। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 36, निम्न में से कौन सा शब्द डेटा और ज्ञान की सार्थक व्याख्या को संदर्भित करता है? सूचना। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 37, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ठीक है। ई ऑप्शन सही है 38 में आपका। क्वेश्चन है 39, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका पी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40, रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन है 42, एक युक्ति द्वारा डेटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? एक प्रोसेसिंग चक्र। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 43, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है क्या, कौन सा? ए एल यू कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। तो चलिए, ये था आपका दूसरा टेस्ट, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके तीसरे टेस्ट के बारे में।